टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बिल्लियों के कैफ़े में। बिल्ली होती है जो ना कैट, उनके कैफ़े में जा रहे हैं। जापान में बड़ा ही पसंद करते हैं लोग बिल्लियों को, तो मेरे साथ ही दोस्त भी है। हेलो। हाँ, तो अभी वहाँ पे जाकर के वीडियो शूट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। दिखाते हैं अभी यहीं पे एक मोची कैफ़े तो बहुत सारे हैं बिल्लियों के। चलिए चल के फिर वहीं पे स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कितना अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक स्लीपर्स जो है उस मशीन से आते हैं नए नए, मतलब वॉश हो करके, और उसको आपको पहनना पड़ता है। अपने शूज वगैरह आप इस रैक में रख सकते हैं यहाँ पे। और ये मशीन देखिए, ये है स्पेशली फॉर, इसमें ऐसे स्लीपर्स निकलते हैं नीचे से, और यहाँ पे सारा सैनिटाइज होता रहता है। तो चलिए फिर अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको।大丈夫です。はい、料金初回10分605円になりまして、それ以降10分ごとに、うん、Thank you.
名前？にんちゃんって名前です。にんサービスみたい。サービスタイム。トラマルです。トラマル。トラマル。この店で猫が何匹ぐらい？14匹。確か。うん。みんなの写真と名前。はい、名前みんなの全部呼ぶ覚えていますか？覚えてます。नेको कैफे का सफर। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। शिन साई बासी नाम्बा में है, वहाँ पे है ये नेको कैफे। चलो हैं तो बहुत सारे, बट उनमें से एक ये भी है। तो चलिए फिर इस वीडियो में थोड़ा अच्छी लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिएगा। फिर चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सदाबहार के। चलिए फिर अभी आया जी।